जिला तरनतारण दे इंडियन फार्मर एसोसिएशन दे प्रधान सदर कुलवंत सिंह गगड़ेवाल पिछले दिन एक किसान आंदोलन दिल्ली विच शहीदी प्राप्त कर गए सन। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच सरदारनी दलबीर कौर, सरदार रजिंदर सिंह, कुलदीप कौर, प्रभदीप कौर, सोनेहाल सिंह, जसमीन कौर, प्रियादीप कौर, अरनदीप कौर, दिलराज कौर, हुशियार सिंह, जपनेहाल सिंह अते उन्हां दे समूह परिवार वल्लों उन्हां दे गृह पिंड गगड़ेवाल तहसील खडूरसा विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंह वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। सदर कुलवंत सिंह होणा दा जन्म 5 अगस्त 1957 नूं पिता सदर मिलखा सिंह होणा दे घर माता महिंदर कौर होणा दी कुखों पलाईपुर तहसील खडूरसा विखे होया। मुढली सिक्ख्या पूरी करन उपरंत आप जी ने अपने पिता पुरखी किते खेतीबाड़ी नूं अपनाया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सूझवान, मेहनती अते ईमानदार इंसान सन। आप जी दा विआह सन 1980 विच सरदारनी दलबीर कौर होणा नाल होया। आप जी दे घर एक बेटे सोनेहाल सिंह अते चार बेटियां जसमीन कौर, प्रियादीप कौर, अरनदीप कौर अते दिलराज कौर ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दीआं तीन लड़कियां विदेश विच सैटल हन अते अपने पिता जी दे नाम नूं चार चन्न लगा रहियां हन। आप जी दे बाकी दोवें बच्चे भी आपो अपने खेतरां विच अपने पिता जी दे नाम नूं उच्चियां चुक रहे हन। आप जी पिछले 50 सालां तों इंडियन फार्मर एसोसिएशन पंजाब विच शामिल हो के किसानी नूं बचाउण लई अग्गे हो के लड़दे रहे। आप जी दा दिल्ली विच चल रहे किसान अंदोलन विच वी वड्डा योगदान सी। सरदार कुलवंत सिंह जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर इक दी मदद लई तत्पर रहंदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बाणी दे मालक सन। सरदार कुलवंत सिंह हुणां दे श्रद्धांजलि समागम दे मौके ते वड्डी गिनती विच संगतां तों इलावा कई समाजिक, राजनीतिक अते धार्मिक जथेबंदियां दे आगूआं ने शिरकत कीती अते परिवार नाल दुख सांझा कीता। Thank you.
सच्चा नाम संभाल राम।
I'm not afraid.
पंच को भला करता है पंच को पुत्र वासुदेव कंठ पवारया दुर्धर्म माया
ਸਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਬਿਨ ਮੰਤ ਨੰਦ ਗੁਰ ਤਨ ਲਾਗੇ ਵਾਦੇ ਬਲਵਤ ਤੁਰੇ ਸੋ ਅਮਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰ ਤਮ शहीद किसान भाई साहब भाई बलवंत सिंह जी जिला मीत प्रधान इंडियन फार्मर एसोसिएशन जिया चीरी लिखिया तिहा हुक्म कुमाहे कले आवह नानका सदे उठी जाहे दे महाबाका अनुसार आप जी की दिती आप जी अनुसार संसार की यात्रा पूरी करके पिछले कुछ दिनों तो आप जी के चरणों में जा राजे सन उन्हां दी आत्मक शांति लई रूह की कल्याण वास्ते सर्वत परिवार वालों एकत्र हो के तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई जी दे परसों तो जा प्रारंभ किए गए सन इस वेले आप जी की अपार कृपा द्वारा कुछ समा पहला श्री अखंड पाठा के संपूर्ण भोग पै हैं सच्चे पिता जीओ उपरंत आप जी की आज्ञा अनुसार बार पंडाल सजाए गए जिन्हां विच शब्द कीर्तन गायन किए गए रागी जथे वसों कीर्तन किए गए कीर्तन करदिया हुई भुलां की खिमा करनी अगे वास्ते अपने घरों घरों कीर्तन करने की दात बख्शिश करनी सच्चे पिता जी भाई साहब भाई बलवंत सिंह अपने चरणों में निवास बख्शना आत्मा नु शांति बख्शनी पिछे परिवार सके संबंधियां रिश्तेदारां नु भाणा मनण का बल बख्शिश करना सरबत परिवार से मेहर भरिया हथ रखना तंदुरुस्तियां बख्शनिया जी आप जी के सेवकों वालों अपन नेक कमाइया आप जी के दर से पंचा अकड़ा प्रशादियां देगा बना के सजाईया गई हैं देगा बनाद्या हुई भुलों की खिमा करनी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी करो कृपा करी पाकसा सोच पवित्रा हंडावा भोगा राज के मां बापा अनुसार भोग लगा करो भोग लग्या प्रशाद साध संगत विच वरते जो जी छे सो आप जी का नाम सुहास्ते पिता जी सर्वत परिवार रोगता तंदुरुस्तियां बख्शनिया विदेशों में रिंदियां संगतां दे मेहर भरिया हथ रखना परिवार से मेहर भरिया हथ रखना तंदुरुस्तियां बख्शनिया कमाइया में वाधा करना सच्चे पिता जी सर्वत परिवार अपने दरों घरों गुरसिखी नाम दान बख्शिश करना काल कंटक दूर करने अधियां बेअधियां का नाश करना आने वाला समा सर्वत परिवार से खुशियां भरिया बख्शना सच्चे पिता जी दारा संगतां दियां हाजरियां अपने दरबार में प्रवान करनिया संगतां दी भेटा तिल फुल सेवा कदम कदम लिखे लाउणा सच्चे पिता जी ओ देसां प्रदेशां विच रहिंदियां संगतां ते वीर भरिया हथ रखना
आप जी के चरणों में सर्वत सबत वालों अरदास जो मेरी बेनती है कि जो किसान वीर दिल्ली धरने से बैठे हुए हैं सच्चे पिता जी आप जी उन्होंने अंग संग हो के सहायता करनी तंदुरुस्तियां बख्शनियां सर्वत कार्यों में कामयाबियां सफलतावां बख्शिश करनियां नगर खेड़े इलाका निवासियों के माल मनुखी तंदुरुस्तियां बख्शनियां सच्चे पिता जी हुण हुक्मनामे बख्श के सबतां नूं निहालो निहाल करना चढ़दियां कला बख्शनियां सही प्यारे वीर जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता वै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा वाहिगुरु जी का खालसा सूरत मोहल्ला पंजवा गुरपूरे चरण लाया हर संग सहाई पाया ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਸੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪੱਟਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਜੋਂ ਬੋਲੋ ਸੋਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਿਰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜੀਵੀ ਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਂਦ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸਰਦਾਰ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਿਰਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੈਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਡੇਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪੁੱਜਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਉਦੋਂ ਜਗਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਚਾਨਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 50-50 ਸਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੁਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਜ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁਜਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਪਟਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਾਈਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੋਨਿਆਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 2 ਸਾਲ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੈਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੱਕੜ ਚੁੱਕਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਚਾਹ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਛਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਡ ਆ ਉਹਦੇ 3 ਸਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜੈਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਲਾਈਪੁਰ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਆ 46 ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਜਾਂ ਵਹਿ ਚੁੱਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ।
जिस दिन जैसा साहब सदीवी विछोड़ा दे के संस्कार से मैं भी पहुंचा तो साढ़े सरपंच साहब सरदार जगजीत सिंह जी गगड़ेवाल साहब दसन रहे थे कि पोतरे नू तिना सरना के बेटे नू सारे नारे जड़े से उन्होंने याद करवाए हुए थे कि मोदी मुर्दाबाद भारतीय किसान दुनिया जिंदाबाद। तो वीरो जे यहो जे योधे जो साढ़े पैदा हुए ते गाड़ी साड़ी पनीरी जिहड़ी आ उह वी तैयार हो रही आ। जो मर्जी जोर ला रहे अडानी जोर ला रहे अंबानी जोर ला रहे मोदी जोर ला रहे वीरो आपां दब्बे ते नहीं जा सकते। गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब दी झोलियां अपनी जित जरूर होगी जिहड़ियां जले पत्तियां ते बैठियां अखीर नूं जित के मुड़नगियां। सो सारे आपां जदों वी घर दे विच आपां कोई अरदास कदे वी आपां पाठ करदे आ किसे वी गुरु घर आपां जांदे आ ते हमेशा चढ़ती कला की अरदास करा करो। जिहड़े साडे वीर उत्थे जाके बैठे ने साडे किसान वीरां दे जां जिहड़े बजुर्ग उत्थे बैठे ने उहनां दी चढ़ती कला की अरदास करा करो। ते हमेशा यही अरदास कीती कि सारे उदों जित के आपां वापस आईए ते अपनी किसानी जिहड़ी उह बचे। सो हुण मैं बदारियां नूं बेनती करांगा कि थोड़ा थोड़े टाइम बड़ा हो गया वा सारे आपो अपने थोड़े थोड़े दर्जे दे विच जथेदार साहिब नूं श्रद्धा दे फुल भेट करन। मैं हुण बेनती करांगा भारतीय किसान यूनियन इंडियन फार्मर जदों संदीप सिंह जी अपना जनरल सैकटरी उन्होंने मैं बेनती करांगा कि आगे जथेदार साहिब नूं श्रद्धा दे फुल भेट करन। सारी इत्थे संगत पहुंची सरदार कुलवंत सिंह जी जिन्होंने दिल्ली मोर्चे विच शहादत प्राप्त की उन्होंने श्रद्धांजलि देन आपां सारे इत्थे पहुंचे हाँ। सब तो पहला फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें आपां अक्सर ही कहिंदे हुंदे हां कि अंतम अरदास जिहड़ी रूह साडे तों विछड़ी है कि उहदी रूह की शांति लई अरदास ते जिहड़े शहादतां पा के जांदे ने उहनां लई तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप खड़े हुंदे ने उन्हों जफी विच लैण लई उन्हों अपने कलावे विच लैण लई। सो सरदार कुलवंत सिंह जो शहादत पा के गुरु साहब के चरणों विच जा बराजे ने उन्हां नूं केवल असी नहीं सारा पंजाब नतमस्तक हुंदा है पूरी लोकाई उन्हां नूं अज श्रद्धा दे फुल जिहड़े फुल है वह भेंट कर रही है। साध संगत जी शहादत केवल एक अखर नहीं है, शहादत केवल एक शब्द नहीं है, शहादत एक जज्बा, शहादत एक इतिहास है जो साडे गुरु साहिबान ने जो साडे शहीदां ने अपने खून दे नाल ये जो शब्द लिखे है वह साडे साडी कौम दी अंग अंग दे विच खून दे हर कतरे दे विच इह शहादत दा जिहड़ा जज्बा वह रचिया होया है। सरकारां हर बार यह सोचण दे विच गलती कर जांदियां है कि ये जिन्हें शहीद होणगे उन्हां लई तां असीं मर रहे हां। सरकार हर बार यह सोचदियां ने मन्नू तों लै के अज मोदी तकर यही सोच रखी जा रही है कि जिन्हें शहीद हो रहे ने जिन्हें मर रहे ने इन्हां दे हौसले जिहड़े आ ढिंडी कल विच जाणगे। पर इन्हां नूं यह नहीं पता कि मन्नू वेले भी यही होया सीगा जदों सिरां दे मुल पए सी उस वेले भी जदों एक सिर शहीद हुंदा सी ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
कंडियालियां तारां लोहे दे सरिए बैरीगेड ते बजरी दे नाल बनाईयां कंधां संघर्ष की जड़ी कूक है उन्होंने कदे रोक नहीं सकदियां। सानू दिल्ली जाण तों शरीरक तौर पर जरूर रोकिया जा सकता पर साडियां रूहां नूं कदे रोकिया नहीं जा सकता। जे तुसीं देख लो पूरे विश्व के किसान अंदोलन की आवाज जी है वह बुलंद हो रही है। पूरे विश्व के अच्छ चर्चा हो रही है। विश्व के जिहड़ियां महान शख्सियतां ने वह अच्छ चर्चा कर रही ने कि दिल्ली के बैठे किसानों के उपर जिहड़ा ते तशद्दुद ढाया जा रहा है अणमनुखी वर्तारा जिहड़ा किया जा रहा सरकार वालों नैट बंद कर दिता गया ते 150 तों उपर शहीदियां प्राप्त करन तों बाद भी इत्थे दा जिहड़ा शासक तानाशाह मोदी अज तक भी एक लफ्ज भी अपने मूहों उन्हें किसी भी शहादत लई जां इस संघर्ष लई अपने मूहों एक लफ्ज तक नहीं कढ़िया पूरा पूरी दुनिया देखती पई है। सो ज्यादा ना बोलता होया इन्ना जरूर कहना चाहूंगा कि यह संघर्ष अज केवल किसानों का संघर्ष नहीं यह संघर्ष केवल पंजाब का संघर्ष नहीं यह संघर्ष केवल इस देश का संघर्ष नहीं अज पूरी दुनिया का संघर्ष बन के रह गया। अज रसम पगड़ी निभाई गई है सौ निहाल साडा छोटा वीर अज उन्होंने इस परिवार की जिम्मेवारी जिहड़ी है वह सौंपी गई है। मिरखा सिंह इन्हां दे दादा जी जिन्होंने शुरुआत की इस संघर्ष की जिवें वीर जी ने कहा कि मिसाल दे नाल मिसाल जिहड़ी है अगे तो अगे लगातार चलती गई है। तो सौ निहाल सिंह जी नूं अज असीं इत्थे मुबारक भी देना चाहते हैं कि अगली इस संघर्ष की जिम्मेवारी उन्हां दे सिर इस जथेबंदियां ने अज उन्हां नूं सौंप दित्ती है। सो परमात्मा परिवार के सगे संबंधियों के चढ़ती कला का हथ हमेशा बनाई रखन। इसे तरह इन्हां दी पीढ़ी विचों इन्हां दी कौले विचों जिहड़े नामवर संघर्षशील जिहड़े इंसान है वह उपजते रहन। इन्हां शब्दां दे नाल इत्थे समाप्ति करते हैं। परमात्मा परिवार नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शन अते गुरु साहिब दी जो अरदास करके साडे वीर दिल्ली धरने ते बैठे आ उन्हां नूं परमात्मा सच्चे पातशाह जल्द तों जल्द जित जिहड़ी है वह प्राप्त करन। सो इन्हां शब्दां दे नाल ही इत्थे समाप्ति करदा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। आज शहीद सरदार कौन सिंह जी के अंतम दास शामिल मेरे भैनों के भाव संसार के बहुत लोग ने जो पूंजीवादियों के बनाए हुए सच्चा से या उन्होंने पाइया हुई पैड़ा से चलना शुरू कर देंगे ने ते उन्होंने इन्नी हिम्मत या जुट नहीं होती कि वह कुछ वखरा कर सकते। पर इस परिवार के अंदर सरदार कौन सिंह जी के फादर साहब को लैके पैड़ों के ना चलते हुए एक नवी पैड़ा बना के इस समाज में सीध दिया एक हिम्मत सी जिड़ी इन्होंने फारुख साहब को अगे तो चलती आ रही है। तो सरदार चौहान सिंह जी ने भी उस पैड़ को चला होया अपना आखिरी सह भी इस सेवा के ही लिया। इंडियन फार्मर एसोसीएशन काम करद हो अपना आखिरी सह उन्होंने इस समाज सेवा के निभाया। किरती किसान यूनियन के प्रधान मैं नहीं ना बोलया गया सरदार जगतार सिंह जी जिड़े कि अज दिल्ली के उत्थे डटे हुए ने वो इतने नहीं पहुँच सके तो उन्होंने श्रद्धा के फुल भेट करने के लिए सरदार ग्रंथ सिंह जी ने श्रद्धा के फुल भेट करने के लिए मैनू इतने भेजा कि तुम जाके मेरे वाले उत्थे सनेहा पहुंचाओ तो ये शब्दों के फुल भेंट करो।
इस परिवार दीआं कुर्बानियां नूं वेख के जां जो इन्हां ने समाज दे लई कीता यह बहुत वड्डी गल आ। इह सेवा हर दे हिस्से च नहीं आउंदी ते मैं अगे आस करदा कि इन्हां दे बेटे सोहनहाल सिंह जी भी इस लीह नूं अगे तुरदे हुए उहदे ते काम करनगे। इहदे च कोई शक नहीं कि बेसमें ते सरदार करम सिंह जी का चले जाना जिथे उन्होंने भाई रविंदर सिंह जी को या सोहनहाल सिंह जी को एक बहुत वड्डा झटका। यह झटका सिर्फ इस परिवार को नहीं इन्हों लोगों के चले जाने के नाल इस समाज ते इस देश में एक बड़ी वड्डी ढाल लगती है। जिस समाज को अगे तुरन के लिए जिस समाज के विच क्रांति पैदा करने लिए इहो जे लोग जिहड़े आ उह अगे हो के तुरदे ने उन्हां दा चले जाणा बहुत ही दुखदाई हुंदा है। पर मैं इहनां नूं सोहनहाल सिंह जी नूं एक बेनती करूंगा कि उह उहदे भाणे च रहिंदे हुए उह भी अपने फादर साहब की तरह जो भी समाज के अंदर वह कर सकन जो भी वो इस उन्होंने लिया से चलते हुए इस समाज के लिए जो भी कर सकन वो जरूर कर। इन शब्दों के नाल मैं समाप्ति करता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। जेडे वीर अभी टाइम नहीं दे सकते उन्होंने तो खिमे जा चुकिया उन्होंने अधीस सरपंच नैतपुर भजन सिंह सरपंच गगड़ेवाल साबका सरपंच कश्मीर सिंह जी गगड़ेवाल बलजिंदर सिंह जी जामा राय सूबेदार जसवंत सिंह जी रामपुर नरोदपुर नंबरदार कश्मीर सिंह जी जलालाबाद दया सिंह जी शाह धारीपुर इंद्रपाल सिंह जी गगड़ेवाल कश्मीर सिंह जी नशहरा पन्नवा नरेंद्र सिंह जी साबका सरपंच कठूर साहब बापू भजन सिंह जी जवानपुर। हुण मैं बेनती करांगा सुरजीत सिंह जी कादगिल भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल दे आगू उन्हां नूं बेनती आ के जथेदार साहब नूं श्रद्धा दे फुल भेट। सरदार कुलवंत सिंह जी की सोगमई इकट्ठ विच सारे बिराजमान मेरे वड्डे छोटे वीर वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। स्टेज तो मेरे बड़े सत्कारयोग सकत्तर साहब ने बे किया कि सरदार मिल्खा सिंह जी पिछले 40 साल तो इस किसान संघर्ष की किसान की किसान लोगों जथेबंदियों की वो सेवा कर रहे हैं। कोई भी गल करने तो पहला कहते कोई गवाही है मैं चश्मदीद गवाह हाँ सरदार मिल्खा सिंह जी गगड़ेवाल का। एक मेरा साथी वीर सिंह टौला तो बैठा इतने असं वो साथी हाँ जोड़ा हम जो अमृतसर पहले एक जिला से हम दो जिले हो गए इन्हों ये सारे जिले दो जिलों के असं सिर्फ चार बंदे हाँ जिंदा अज जिन्हों ने भारतीय किसान यूनियन उदों का नाम भारतीय किसान यूनियन नहीं ना से खेतीबाड़ी जिमीदारा यूनियन। जे कोई पुराना साथी इतने अब बैठा हो पुराना बुजुर्ग उदों का नाम खेतीबाड़ी पंजाब खेतीबाड़ी यूनियन से भारतीय किसान यूनियन का नाम नहीं होता। असी उदों संघर्ष किया सरदार मिल्खा सिंह जी जां इन्हां पुराने बंदों पता सब तो पहला इस जथेबंदी ने इस खेतीबाड़ी जिमीदारा यूनियन नाम थले जोन तोड़ू मोर्चा लाया सी 5 किलो कणक लिजाण का आर्डर से दूजे मुल्कों सूबिया 6 किलो लिजा के कैदा कटिया उदों इन्हां ने सरदार मिल्खा सिंह ने चैंजल सिंह ने सरदार पुजल सिंह ने गगड़ेवाल ने यह सारे सरदार चरणजीत सिंह अपने सरदार फतेह रवि सिंह सिंह जी फतेह वास्ते इस सरदार अमोल सिंह गुमटाले तो यह वो सारिया शख्सियतां ने जिन्होंने इस जथेबंदी की इस भजे अमृतसर के नहीं रखी। इस करके असी भी उन्होंने नाल जिन्हें योगे से वह सतमुख बहुत व्डे सरकार जो मेरे व्डे भरा से वो छोटिया भरावान को मान देते रहे असी उन्होंने हर दुख सुख के उन्होंने कोल आते रहे अगे पिछे भी उन्होंने मिलने आते रहे
इतने आ गए उदों ही जदों इतने से पहला ही बड़ी ये सानू करल सिंह ही ये छोटे रजिंदर सिंह बाबा जी ये सोहरिया सिंह का तो जन्म नहीं हुआ जो भी आ रहा इन्हें घर आना जाना इस परिवार के ना सा रिश्ता बनया साड़ी कोई रिश्तेदारी नहीं सी साड़ी सिर्फ विचारां दी सांझ सी असीं एक एक विचारां दे सांझे हाँ कि आप किसी तरह इस किसानी अंदोलन को इस किसानों को किस तरह बचावा इस करके हम साल तुम गिन लो कि 1972 तो सरदार मिल्खा सिंह जी किसानी संघर्ष में जुड़े हुए हैं 1972 तो असं उदों के उन्होंने साथी रहे हैं इस करके हूँ तक भी जिन्हें जो कि उन्हें भी साथ देने किसान का अज ये बूटा किसानी का सानू बड़ी खुशी है कि अज ये बूटा बहुत वड्डा फलदार बन गया सारे हिंदुस्तान के अब भारतीय किसान यूनियन के नाँ पर काफ़ी जथेबंदियां बन चुकी ने बहुत सारी जथेबंदियां बन चुकी कोई होर भी जथेबंदियां बन गई होर नावों पर भी पर कोई भारतीय किसान यूनियन का जिदा ना ये नवा बनाया सारिया जथेबंदियां तमिलनाडु की महाराष्ट्र की केरला की आंध्र प्रदेश कर्नाटक ये सारिया जिन्हिया जथेबंदियां ये असी हैदराबाद के इकट्ठे हुए उस वेले उत्थे जिहड़े सरदार बलबीर सिंह राजेवाल आ सरदार अजमेर सिंह लखोवाल आ भुपिंदर सिंह मान सम्मान जी आ ये सराने सारे पुराने बंदे आ उस मीटिंग हैदराबाद भी मेरी दास की सेवा जिहड़े अमृतसर वालों लगी ही कि तुसीं उन्हां जथेबंदियां दे नाल जाके मीटिंग करो तो यदा करवा उत्थे ना यदा जिहड़ा सी ये भारतीय किसान यूनियन रख्या गया क्योंकि वो जो दूजिया उधर के सूबे ने उन्हों का ना अज भी उन्होंने अपनी भाषा के तमिलनाडु वाले का ना वक्रा महाराष्ट्र वाले का वक्रा कर्नाटक आंध्र वाले का यह जिन्हें उत्तरी भारतीय लोग जो हिंदी बोलते हैं यदा ना भारतीय किसान यूनियन सी तो मैं क्योंकि उस सारे हालात का उन्होंने सारिया गलों का जिहड़ा सरदार मिल्खा सिंह जी गरेवाल ने सरदार चैंजल सिंह जी ने सरदार उज्जर सिंह बहादुरपुर जी ने लड़िया मैं उन्होंने जश्न की गवाह सी इस करके मैं गवाही दी हुई थी अच्छे श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी के भी इन परिवार का बहुत वाला संघर्ष के बहुत बड़ा योगदान है सरदार जिन्ना चेर सरदार जी मिल्खा सिंह जी जिंदा रहे उस चलते फिरते गए संसार तो वो उन्ना चेर ही संघर्षा जाते रहे उस मगरों सरदार करवंत सिंह जी ने तो हूँ भी जो आप देखते हैं अखबारों में पढ़ते भी हाँ सरदार सोहना सिंह पोतरे सरदार मिल्खा सिंह जी ये भी दिल्ली संघर्ष के आगे अपना हर तरह योगदान पाते रहे इस करके मैं इन्ना ही इतने कहना चाहते मैं श्रद्धा के फुल सरदार करवंत सिंह जी को भेंट करता कि उन्होंने बहुत सच्चे धन जिला वैल्यू उन्होंने जो होर जिंदगी बख्शता तो वो अपने पिता जी सरदार मिल्खा सिंह अगर होर भी इस संघर्ष में बहुत वाचन हिस्सा पाते क्योंकि जिंदगी किसी के बस नहीं वो अकाल पुरख के बस आ सो उन्होंने बहुत संघर्ष हिस्सा पाया बहुत वधिया उन्होंने किया उन्होंने मैं श्रद्धा के फुल भेंट करना तो उस अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में बेनती करना कि वो उन्होंने चढ़ते उसे उन्होंने चरणों से नवास बख्शे तो मैं गुरु ग्रंथ साहब जी ने हजूरी में बेनती भी करना कि वो अकाल पुरख वाहिगुरु जो किसानों ने मोर्चा दिल्ली के लाया इन चढ़ती गला रखो इनू जित बख्शो तो अभी तक बहुत बहुत धनबाद संगत का बहुत बहुत वाहिगुरु जी का खालसा ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗਾਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਲੋ ਹੋਵੇਗੀ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈੜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਜੀ ਜਦੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨੰਗੇ ਧੜਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜੂਗਾ ਡਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਦਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ
अज वाला तो समा नहीं सी चलो उस वे पता लग जाता यह कुरबानियां इन्हों पुराने जो सा बजुर्ग से यह दुनिया को खड़ी कर दतिया ने। सो हम मैं बेनती करा जथेदार बलविंदर सिंह जी मई पी तो जथेदार साहब श्रद्धा के फुल भेट कर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूरा सौ पचानवे जो लरे दिन के हेत पूजा पूजा कट मरे काबू न छाड़े के जो सरदार करवंत सिंह जी उन्होंने ये पूरी कट उठते हैं क्योंकि इन्होंने दिल्ली के जो किसान जथेबंदियां अंदोलन में बैठे ने उन्होंने शहीदी पाई। सो मैं सरदार करवंत सिंह काफ़ी चिर तो जानता क्योंकि दास ने तुसी इत्थे इलैक्शन लड़ाई सी उदों दा इन्हां नाल वाह पिया जो साड़ी इन्हां नाल पिंड वालों रिश्तेदारी है जो इत्थे पिंडे ने कुछ ब्रह्मपुरा साहब वालों रिश्तेदारी सी इस करके इस परिवार नाल ज़्यादा आ जाण सी। बापू जी मिल्खा सिंह उन्हां दी गल दसी आ उन्होंने भी संघर्ष में काफ़ी योगदान पाया। ये संघर्ष जो चल रहा यह कला किसानी का नहीं उन्हां लोकां वास्ते भी है जो मजदूर आ रेहड़ी वाले आ व्यापारी आ दुकानदार ये नहीं कि कला जिमीदार वास्ते संघर्ष आ इस वास्ते ये सारे वास्ते अंदोलन चल रहा जिहदे विच इस वेले सारा पंजाब सारा देश ते होर भी जथेबंदियां वध चढ़ के सहयोग दे रही। मैं आस करदा ते अरदास करदा कि सतगुरु सच्चे पातशाह जो दिल्ली दे विच संघर्ष लड़ रहे हैं उन्हां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह कामयाब दी बख्शे। ये मोदी का जिहड़ा राज है खत्म होवे जिहदे विच किसान मजदूर व्यापारी सारे सुख रहन। इंडिया मैं बेनतियां करता हुआ जिम्मा का जज क्या वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। राजा जी बैठे ने सोंगा जी बैठे ने एक दे जथेदार गुरबासे कुड़ी जिहड़े आ शहीद होया कहिंदा इह सारी कौम दे शहीद ने सारी किसानी दे शहीद ने सारे किसान जथेबंदियां तुहाडे इलाका तुहाडा समाज तुहाडे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खलोता वा। कदे मन के नहीं होना कि जथेदार साहब लोड़ बड़ी सी परिवार को जथेदार साहब दियां दे सोंगा रुपया दे पट्टा सीगा बड़ी लोड़ सी कि कोई उम्र भी कोई ज्यादा नहीं सी सारा कारोबार आने अपना चलाई चलाते सन पर कहता कुछ नहीं जा सकता क्योंकि इस परिवार के ना शहीदी आनी सी। सो ये अपनी शहीदी दे के इलाके पहली शहीदी किसान अंदोलन के जी हुई है वह इस परिवार ने लिखे लगी है। सो मैं बेनती करागा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग जथेदार अमरजीत सिंह जी भलाईपुर मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो दो मिनट लिया के जथेदार साहब की श्रद्धा के फुल भेंट कर पावन हजूरी में जुड़ बैठे गुरु खालसा जी आओ सत्कार नाल फतेह बुलाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज आप साढ़े सत्कार जो छोटे वीर असी पिछों तो भी एक पिंड के रहने वाले हाँ भरावान वाला ही साडा साथ सी वह शहीदी प्राप्त कर गया इन्हों का सारा ही परिवार सरदार मिल्खा सोहर तो लग के सरदार मिर्जा सिंह सरदार चैतन सिंह जी रवि शेर जी ते अपने कैप्टन जसवंत सिंह जी कपूर साहब बारे ये सारे जुमे के नाल असी वेंदे रहे हैं भी तकड़े होके मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के चलते रहे हैं हर वेले इन्हों जिस तरह के आ राज्यवाल प्रधान साहब ने दसिया भी वह 5 किलो जी कणक लेके पठानकोट तो इन्होंने बड़े परला बार्डर क्रॉस किया ही क्योंकि दूसरे सूबे में सरकार ने पाबंदी डालती ही भी कोई कणक लेके नहीं जा सकता। ये सारे साढ़े पिंड के 20 बंदे इन्होंने नाल सरदार मिल्खा सिंह सरदार चैन सिंह होने उत्थे गए थे बड़े चिर तो लंबे 72 की गल है बड़े लंबे समय तो यह संघर्ष में जुड़े आ रहे हैं तो अपना घर का कम नहीं वेख्या भावें कोई अपना कणक का जो किसी चीज़ का छटा दे रहे इन्हों स्नेहा आ गया भी आप जुड़न वाले
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਾਈਪੁਰ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਠੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਸ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸਵਰਗ ਵਾਸੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਸੀਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਸੀਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੈਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਇਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਲੜਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਪਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮਤੇ ਪਾਓ, ਦਸ ਬੰਦੇ ਜਾਓ, 10 ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਔਰ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਮਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨੇਜਾ ਪਰਛਾ ਉੱਤੇ ਚਰਖੀ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਾਈ ਆ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਉਦਾਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਿਤਰਦਾ ਆ,
पहली वाली 32 दिनों बाद घर एंट्री पाई सी, दूजी फिर 16 दिनों बाद एंट्री पाई है। मैनू इतों ती शर्म आई है, कई अपन ती शर्म आई है जेडे इतों उठ के नहीं तुर सकते। इस करके सानू बेनती करनी पेगी सारी पंचायत अगे कि मते पाओ ते आपां वारी बन के चलीए, क्योंकि कल्या ना बंदा वड्डा नहीं हुंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। आओ सब तो पहला सत्कार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राणा राव ना को रहे रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदे धीर। जो आया सो चल सी, सतगुरु आए वारिए दे महावाक अनुसार। साडे बहुत ही सत्कारयोग वड्डे वीर सरदार कुलवंत सिंह जी, जो सानू अज तो कुछ दिन पहला सदी भी विछोड़ा देके चले गए ने, अज आप सारे ही उन्हां दी अंतम अरदास विच उन्हां नूं शरधा दे फुल भेंट करन वास्ते एकत्र होए आ। जिवें कि गुरु महाराज दा हुक्म आ, मरन लिखाए मंडल में आए। जो भी इंसान जदों भी इस दुनिया ते आउंदा उसदे नाल उहदा मरना लिखिया जांदा। इस दुनिया ते करोड़ां लोक आउंदे ने, चले जांदे ने, सारिआं ने इत्थों चले जाणा, पर जो इंसान इस दुनिया ते आ के कोई नेक कम करदे ने, लोक भलाई दे कम करदे ने, सांझे कम्मां दे विच हिस्सा लैंदे ने, लोक उहनां नूं हमेशा याद करदे। जिथे सरदार कुलवंत सिंह होना की हाले जाने की उम्र नहीं सी, पर वो परमेश्वर का हुक्म है, वह भाणा जिन्हें मालक ने श्वास लेके भेजे उन्हें श्वास लेने ने, कोई श्वास वादा नहीं करता। जिथे सरदार कुलवंत सिंह जी होना के जाने का बड़ा वाला दुख है, ना पूरा होने वाला घाटा, पर उ माण भी महसूस करते हैं कि सरदार कुलवंत सिंह होना ने अपने वड्डे बजुर्गों के नक्शे कदमों से चलते हुए, जिमें कि सरदार मिल्खा सिंह होना ने अपनी सारी उम्र किसानी वास्ते ला दी, लोगों के मसलों वास्ते ला दी, उस तरह सरदार कुलवंत सिंह जी होने दिल्ली के जो किसान मोर्चा चल रहा है अपना वडमुला योगदान पाउण गए से, अचानक उन्होंने सेहत बिगड़ गई, वो सानू सदा वास्ते छड़ के चले गए। मैं कह रहा कि जिथे उन्होंने जाण का दुख भी है, सानू माण भी है, तो जिहड़े लोग सांझे कम्मां वास्ते लोगों वास्ते अपनी जान दे के जाते हैं, मैं समझना कि वह लोग मरते नहीं, अमर हो जाते। सरदार कुलवंत सिंह होना हमेशा ही याद किया जाता रहेगा। जदों भी कितने कोई सांझे कम्मां की गल, कोई किसानी की गल चलूगी तो सरदार कुलवंत सिंह जी हमेशा याद होते रहने। मेरा इस परिवार के नाल बड़े लंबे समय तो 2002 दे विच इलैक्शन लड़ी, उस तो पहला का इस परिवार के नाल संबंध, एक भरावां वाला एक परिवारक संबंध सी। समय समय से परिवार के कोल आते रहे, साडे सत्कार जो बजुर्ग सरदार मिल्खा सिंह उन्हां नूं मिलते रहे, उन्हां तों बड़ा कुछ सीखण दा मौका मिला। जदों भी उन्हां कोल आउणा, बड़ा लंबा समा उन्होंने कोल बैठे रहना, उन्हां पुरानियां यादां पुराने संघर्ष दीआं गल्लां उन्होंने करनियां। सरदार कुलवंत सिंह होणी वड्डे भरावां दी तरह हमेशा साडे सिर ते हथ रखते रहे आ, जिथे परिवार नूं नगर नूं इलाके नूं बड़ा वड्डा घाटा पिया। मैं समझना कि सानू भी उन्हां दे जाण दे नाल बड़ा वड्डा ना पूरा होण वाला घाटा, पर कर कुछ नहीं सकते, परमेश्वर का हुक्म है, उहदा भाणा उह सानू मनना पैणा। मैं अपने वालों सरदार कुलवंत सिंह जी होणा नूं जिते शरधा दे फुल भेंट करना, ते गुरु महाराज दे चरणां च अरदास करना कि सच्चे पातशाह कृपा करन, उन्हां नूं अपने चरणां दे विच थां देण, पिछे सारे ही परिवार नूं, रिश्तेदारां नूं, साख संबंधियां नूं, साडे छोटे वीर साडे बेटे सोनिहाल सिंह, उन्हां दे छोटे भरा रजिंदर सिंह बाबा जी, तो समुचे परिवार के नाल जिते मैं इस दुख की घड़ी के विच शरीक हुंना, ते मालक दे चरणां च अरदास करना कि सच्चे पातशाह साडे वड्डे वीर सरदार कुलवंत सिंह जी होणा नूं अपने चरणां च थां देण, परिवार नूं भाणा मन दा बल बख्शन,
जिथे मैं सरदार कुलवंत सिंह होना श्रद्धा के फुल भेंट करदा ते मालक के चरणा च अरदास भी करदा कि सच्चे पातशाह कृपा कर जिहड़े साडे किसान भी बड़े लंबे समय तो दिल्ली दे विच मोर्चा लाई बैठे ने आपणियां मंगां दी खातर संघर्ष कर रहे ने सच्चे पातशाह दे चरणा च अरदास है कि दाता कृपा करे बल बख्शे साडे किसान वीरां नूं कामयाबी मिले वह जित के वापस आउण। इन्हां शब्दां नाल मैं सरदार कुलवंत सिंह जी होणा नूं श्रद्धा दे फुल भेंट करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। हुण मैं बेनती करांगा जथेदार बलजीत सिंह जी जलाल उस्मा जो श्रोमणी कमेटी वालों पग लै के आए ने उस सोनिहाल जी नूं पग दी दात आ जिहड़ी वो देण। बोले सोनिहाल हुण मैं बेनती करांगा साबका एमएलए जथेदार बलजीत सिंह जी जलाल उस्मा मैंबर श्रोमणी गुरु गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वो जथेदार साहब की श्रद्धा के फुल भेंट कर उन्होंने साथी साहबान समुची साध संगत बैठे हुए सत्कार लोग मेरे सारे ही बजुर्ग साहबान नौजवान वीर फतेह साहब जी करता वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला जिथे उस महान शहीद नो वक वक बुलारे ने शरदा के फुल भेंट किए उते इस जो संघर्ष चल रहा दिल्ली विखे मोदी की वो सरकार ने जो बहुत काले कानून जड़े आ वो अपने ते थोपण की कोशिश की जिन्हां नूं खत्म करवाउण वास्ते साढ़े इन्हां योधिया ने बहुत वड्डा योगदान पाया जिथे पिता की गुड़ती लैके सरदार मिल्खा सिंह जी की सरदार कुलवंत सिंह जी ने अपने साथियों नूं नाल लैके सरदार कश्मीर सिंह जी इस पिंड साबका सागर दे पर मैं देखता रहा कि उतों रोज ही इन्हां ने अपनियां जिहड़ियां वीडियोज पाउणियां फोटोज पाउणियां और उस इनकलाब डट के इन्नी ठंड के भी इन्हां साथियों के नाल पहरा दिता है घुटन महसूस होई सेहत खराब होने कारण इत्थे आ गए और अगले दिन ही जिवें हॉस्पिटल के दसा गया कि उन्होंने इतों दुनिया में अलविदा कहना पिया पर अपना जज्बा नहीं छड्डिया वो जज्बे च रहे भावें साथियों नाल लैके बहुत सारा इन्होंने अपनी अगवाइया भी कीतियां खर्चे की भी बर्बाद या उनकी अपने कोलों भी बहुत सारे जो खर्चे करते रहे तो जिते मैं उन्होंने सिर सौना उन्होंने साथियों ने जिन्होंने साथ दिता हमेशा ही ये सरदार कुलवंत सिंह का साथ कभी भुलना नहीं क्योंकि जो शहीद होंगे सारिया कौमों के सांझे होंगे किसी पार्टी के नहीं ये सारे ही आप शहीदों को अज प्रणाम करने वास्ते नमस्कार वास्ते श्रद्धा के फुल के भेंट करने वास्ते आए हैं। तो दुख भी होंगे जो परिवार वालों किसी वे वडेरे का साया बच्चों ना उठ जाना भैन भरावान का विछोड़ा पै जाना बहुत वाला दुख भी होंगे सो जिते परिवार को दुख लगा अपने साथियों दुख लगा उत मैं समझता कि मौत एक टन सच्चाई है सा आवे कि ना आवे राम ओदा हुक्म है हुक्मे अंदर सब कोई बाहर हुक्म ही कोए हुक्म के अनुसार ही आप इस धरती से पैदा होने वो हुक्म के अनुसार ही सानू इस धरती उतों जाना पैंदा है। मन लगाए मंदिर में आए जो आया सो चल सी सब को आई बारी है जन्म लैण तो पहला असं अपना मन लिखा के आने पर अगे अपने कर्मां की गल है कपड़ रूप हसावना सा दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना जेडे इस संसार से इस धरती से चंगे काम करके जाते हैं वो चंग्याईया बुराइया जा
और सरदार बलवंत सिंह दी चंगियाईआं उहदे नाल गईआं हमेशा जिन्ने तक दुनिया रहेगी इस मोर्चे नूं याद करदा होया सरदार बलवंत सिंह नूं याद किया जाऊ इस परिवार नूं याद किया जाऊ इस गगड़ेवाल पिंड नूं याद किया जाऊ इस माझे ते धरती नूं याद किया जाऊ कि माझे दी धरती ते आ सूरमे होए जिन्हां ने उस संगत दे विच हिस्सा पाया मैं उन्हां अगे भी सिर झुकाउणा है जिहड़े नीठां दे विच उत्थे दिल्ली बॉर्डर ते बैठे और उन्हां दा साथ पिंडां वाले दे रहे सो इन्हां बेनतियां नाल मैं अपने वालों और मजीठा साहब वालों क्योंकि मजीठा साहब भी इस परिवार के नाल जिथे उन्होंने दुख साझा किया कोई एन आर वी वीरा वालों कोई इन्हों सहायता भी कोई लेंदे नहीं सी बदो बदी इन्हों सहायता भी दिखती मैं सवेरे उन्हों का फोन आया कि मैं घूमते जरूर आना सी मेरे वालों भी उस महान शहीद को श्रद्धा के फुल पेंट करता है तो मैं अपने वालों जिथे श्रद्धा के फुल पेंट करता है उत्थे मजीठा साहब वालों भी इस शहीद को श्रद्धा के फुल पेंट कर दिया अरदास बेनती करता गुरचरणा विखे कि परमात्मा उस शहीद को अपने चरणा च नवाज बख्शे पिछों परिवार को भाणा मंदा बख्शिश करे और उन्होंने योधिया साथियों यह भी भाणा मंदा बल बख्शिश करे जिथे वो होर संघर्ष को तेज कर सकीए सुनिया बेनती इतमान जाचका वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह मैं बेनती करा पंजाब फार्मर एसोसीएशन के मीत प्रधान सतनाम सिंह जी सतू जी के शहीद को अपनी श्रद्धा के फुल भेट कर कौम का सरमाया शहीद होंगे जिन्हां दे विच सरदार कुलवंत सिंह एक सानू दिशा निर्देश दे रहा है ये असी दिशा निर्देश लैके घर नहीं मुड़ना जिस तरह मेरे वीर ने कहा से कर कि सानू हर पिंड दे विच जिस तरह साडा इलाका दुआबा है उत्थे असी सारे पिंडां दे विच इकट्ठ कीते आ कले कले घर गए हाँ जाके उन्होंने किसी पिंड एक हजार रुपया किसी 1500 रुपया जुर्माना लाया जिस बंद ने नहीं जाना वो दे दियो नहीं तो हर बंद की ड्यूटी बन रही है हम आम लोगों के दिमाग में यह गल आनी है कि हर बंद की ड्यूटी क्यों बन रही है ये किसानी संघर्ष है कि किसानी संघर्ष इस करके जरूरी है क्योंकि जिहड़ी दाणा मंडी है दे पैरलर एक होर दाणा मंडी खोल दिती है जिहनूं खुली दाणा मंडी कहा गया है खुला व्यापार कहा गया जिस तरह असी सब्जी मंडी दे विच जांदे आ उत्थे साडी खुले जिहड़ी आ ओह बोली लगदी है इसे तरह तुहाडे जिहड़े कणक झोने दी बोली लगनी है साडी 23 फसलां दी MRP MSP जिहड़ी आ ओह दित्ती जांदी आ पर कागजा में दी जाती है सिर्फ सिर्फ दो फसलों की सानू MSP दी जाती है उदों बिना 21 फसलां जिहड़ियां वो असीं सिट के आने हाँ जिस तरह आम लोगों की कहावत है असीं मंडी सिटन चले हाँ दूजिया 21 फसलां असीं सिट के आने हाँ चाहे वह गन्ना आ दो साल सानू पेमेंटां नहीं मिलदियां चाहे वह साड़ी सरों आ चाहे दालां आ जिन्हिया भी चीजा असी इस करके नहीं बीजते क्योंकि उन्होंने सानू जी कीमत नहीं मिलती इस करके संयुक्त मोर्चे ने नाल फिट कर दिता है कि सानू 23 फसलों के उत्ते MSP मिलनी चाहिए आ ये तो घट नहीं मिलनी चाहिए जिहड़ी खुली मंडी दे विच इन्हें रखिया की है एक पैन कार्ड अज थोड़े दिन पहला मध्य प्रदेश के 6 करोड़ रुपये की जिनस खरीदी गई है पर व्यापारी नहीं लभदा क्योंकि उहदे विच कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती जिस वेले इसे तरह साडे नाल होना क्योंकि खुली मार्केट दे विच इह हो जाना है कि सानू जिहड़ा आ एक पासे तां 8.5% दाणा मंडियां दे विच टैक्स लगता है चाहे वह पंजाब गवर्नमेंट का आ चाहे मंडी बोर्ड का उस तो बिना जिहड़े खुली मंडी में उहदे विच 1% टैक्स लगेगा तो 1% टैक्स लगने के नाल की होगा जिन्नी उन्हें बचत की अद्धे पैसे कहूगा थानू दे देना अद्धे मैं लै लैना 80 रुपये वह सानू दे दूगा 80 रुपये वह आप ले लूगा पब्लिक ने की करना मंडी दे विच नहीं जाना दो सीजन मंडिया नहीं गए तुम देखते हैं सरकार ने जेलां भी बेच दित्तियां
जिन्हिया कोपरेट 14 मिला से उन्होंने जो 7 तकरीबन वह फेल करके रख दी क्वाड बनाती वह सियासी लीडर ही खा गए। इस तरह जिन्या थोड़िया दाणा मंडिया होनी यह सारिया बेच देनिया उ घर बना लेने वह सरकार के हाथ में चले जानिया जिदन वह मंडिया बेच गई उस वेले थोड़ी हालत जी सब्जी मंडी वाली हो जानी है जो सब्जी मंडी वाली हाल हो जानी थोड़ा जरा झोना है 1935 रुपये वाली चीज जी थी जिस तरह तुम देखते हैं वो आके कितने बिकता कितने 1200 को बिकता कितने 900 को बिकता कितने 1400 को बिकता ये हालात हो जाने जिदन ये हालात हो गए उस वक्त साडा ठेका नहीं पूरा होना जो ठेका नहीं पूरा होना उस वक्त ये जड़िया सरकार जिन्हें ये नवे पैदा किए आते इन्हें यह बनाता कि इन्होंने जोड़े आ 5000 एकड़ 7000 एकड़ के कलस्टर बनाए जाने हैं। अगर उन्होंने 5000 कलस्टर के बच्चे कोई 2 खेत वाला कोई 5 खेत वाला 10 खेत वाला नहीं भी जमीन दिता इन्हें धक्के ना पकड़ लेने क्योंकि उत्तराखंड कई किसान है संयुक्त मोर्चे दिल्ली आए आ जेडे कहते जबरदस्ती जमीन जी बगल लिया तार के अंदर बगल लिया अभी अपनी जमीन के नहीं जा सकते। कुछ बंदे सोचते होने कि असं ना तो बैंक तो कर्जा चुकया ना असं किसी की जमीन बोने असं अपनी जमीन बाहर भुलेखे च आ जिस वेले कलस्टर के जमीन आ गई है उन्होंने जमीन धक्के नहीं ले लैनी आ इस करके सानू सारे सोचना पैना। कुछ लोग सोचते हैं कि असं नौकरियां करते हैं क्योंकि सरकार ने सारे प्राइवेट करते चाहे रेलवे होवे चाहे एयरपोर्ट होन कोई भी महकमा होवे सारे का सारे प्राइवेट करते नाल एक फरमान नवा जारी करता है कि 10 तो लैके 15000 तनखा देनी है पेंशन कोई नहीं। इस करके साडे जिहड़े बच्चे 20-20 लाख रुपया ला के पढ़ाई करते हैं इसे करके बाहर नूं जा रहे हैं क्योंकि इत्थे मोहरे भविख नहीं दिसदा हुण सानू भी भविख नहीं सी दिसदा इस करके 32 किसान यूनियन ने उत्थे मोर्चा लाया संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा यह मंग करता है कि जिन्हें शहीद होए आ उन्हां सारिआं दी जिहड़ी इक फोटो वह गुरद्वारा साहब विच लगे क्योंकि साडे पुत पोते जिहड़े बच्चे वह देखण आ के इह लोक कौण इहनां दी फोटो क्यों लाई आ। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के 2 मैंबर इत्थे आ मैं उन्हां नूं बेनती करदा संयुक्त मोर्चे वल्लों 198 शहीद संयुक्त मोर्चे के जिहड़े आ उत्थे दिल्ली हो चुके आ उन्होंने अजैब घर के फोटो लाइया जा करके जेड़ा ये चीज़ है जिस तरह जैतो के मोर्चे शहीदों की फोटो लग रही इस तरह किसान मोर्चे दोटो अजैब घर लगनिया चाहिए सानू तद यह पता लगू कि सच्ची श्रद्धांजलि है जो उपरोपरी है। इस करके किसान मोर्चा जोड़ा आडे सिर से खड़ा किसी सियासी पार्टी के सिर पर नहीं खड़ा इनू परमात्मा चला रहा ना कि जथेबंदियां चला रही क्योंकि जथेबंदियां तो कुछ एक बंदे इकट्ठे कर सकते हैं ये लखां की तादाद में लोग उत्थे बैठे आ कदे भी एक दूजे बंदा बच जाए वह एक दूजे को सॉरी कहता जिते कि 100 बंदे इकट्ठे नहीं रह सकते एक परमात्मा की रहमत आ जिदे करके मोर्चा चलता है। ये परमात्मा इनू अपने आप सफल करेगा। एक पहला मोर्चा है जिथे दरबार साहब के ग्रंथी भी ये वास्ते अरदास करते हर गुरु घर के अरदास हो रही है। एक पहला मौका आ जिथे के मोर्चे गुरु घर समर्पित हो रहे हैं लोग ते सच्चे पातशाह आप रहमत कर। इस करके असी जे कहिए इस परिवार की जिहड़ी शहीदी आ वह असी पूरी नहीं कर सकते असी परिवार के नाल हर सहायता करने तैयार हाँ पर जिहड़ा जी विछड़ गया वह असी पूरा नहीं कर सकते। इस करके सच्चे पातशाह इस परिवार नूं भाणा मनण दा बल उदम बख्श ते उस रूह नूं अपने चरणां विच निवास बख्श। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। बेनती करांगा हरदीप सिंह जी कादगिल सिधे अमीत प्रधान इंडियन फार्मर एसोसिएशन कि वो आगे शरदा दे फुल भेंट कर। सरदार कलवंत सिंह शहीद किसान जी याद में जुड़ बैठे साध संगत जी
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तुहानू थोड़ी जे पिछे ले जाना चाहना, ये जो कारपोरेट घराने की खेड आ अज नहीं चली, खास तौर पर जी अज सरकार बीजेपी की जिन्हों 1977 के जनता पार्टी ने ना हेठा आए अपने ते हिंदुस्तान की सरकार बनी सी। मैं अज भी याद आ जिहड़े भी किसान वीर दिल्ली गए जाना वा उत्थे लागे एक पिंड आ पंजाब, बहुतियां नूं पता होगा पंजाब वाले पिंड दा जिहड़े दिल्ली गए, नहीं तो जाके पता कर लियो उत्थे भी क्यों पंजा पिंडां दी जमीन चरागाह वास्ते छड्डी गई सी, क्यों पंजा पिंडां ने अपने डंगर चारन वास्ते जमीन महंगी होने करके कारपोरेट घराने की आखो जमीन ते आ गई ते उन्होंने सरकार ने कहा ये जमीन अज तों पिछों साडी है। अज नीआं जथेबंदियां उदों इको जथेबंदी सी, तरन तारन जिले अंबरसर का दफ्तर हुंदा सी वह गेट तों लैके सरां तक उदों उत्थे कच्चा रस्ता हुंदा, मैनूं अज वी याद आ साडे इक पंज बंदिआं दा इक जथा जाणा सी, नोक सिंह लालू घूमन ने तलवार ना ली खिंची, उन्हें कहा बाबा दीप सिंह वाली ली गया, जिन्हें टपना टप जो जिन्हें रहना रह जो। मैनू बड़े फखर ना उहदे विच मिल्खा सिंह गगड़ेवाल, सरदार कैसर सिंह गगड़ेवाल, कैप्टन जसवंत सिंह खडूरपुर साहब ते दास ने भी उन्हां पंजां दे विच नां लिखा के उत्थे जाके असीं उत्थे ਭੁੱਖਰ ਢਾਲ ਰੱਖੀ ਆ ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ 40-50 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ 50 ਕਿੱਲੇ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਚੈਨਲ ਸਿੰਘ, ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜੇ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਦਣ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਿਣੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕਾ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਭੁਲਾਈਪੁਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਢਿੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
मैं यार वापस आ जाऊ नहीं तो मैनू दसो मैं आके तुम लै जाना वा ये उसे काफी दिन उसे दाखिल नहीं रहे उसे ग्लूकोज भी लगता रहा वा नाल दे साथी गुरप्रीत सिंह ने दोवे आके इतने जो टेस्ट किए कुलवंत सिंह के टेस्ट आते गुरदासपुर के प्रधान के टेस्ट नहीं टेस्ट ठीक नहीं आते उन्होंने अमृतसर अस्पताल से दाखिल करा देंगे छब्बी जनवरी की घटना यह सारे का अपना दिन भूमिया गया वा जो आप सोचा कि मोर्चा किधर किधर तुर पाया वा उधर मेरे वीर कुलवंत सिंह इन्ना सदमा लगा वा इन्हों हार्ट अटैक आ गया वा सताई तरीक न छब्बी वाकया हों सताई हार्ट अटैक आ जाता वा इन्होंने रगे रह जाने रगे वाले जवाब देता वा क्यों हार्ट अटैक इन्होंने संभालिया नहीं जाता अंबरसर तो सब तो वधिया अस्पताल आई वी वाई एयरपोर्ट रोड से लै जाने उदन ठीक हो जाते अगले दिन सवेरे फिर दौरा पै जाता वा पर परमात्मा कोई होर मंजूर से सानू तो उन्होंने बड़ी लोड़ सी क्यों कई बंदे जमते हैं घरदियां नूं लोड़ हुंदी आ कई बंदे हुंदे आ उन्हां दी समाज नूं बहुत ज्यादा लोड़ हुंदी आ अज साडा किता जिहड़े आ संगतमय अपने काम च नंग रहे आ इहो जिहे बंदियां दी सानूं बहुत लोड़ आ मैं हुण वी बेनती करदा वां सोहरियाल नूं बेटा साडे वल्लों हत्थ जोड़ के पैनों जथेबंदी वल्लों इंडियन फार्मर एसोसीएशन वल्लों मैनूं इंडिया दे प्रधान सतनाम सिंह बहल दा फोन आया है कि उस परिवार नूं कहो कि जिम्मेवारी चुको क्यों इह शहीदां दा परिवार आ जिथों पहलां बुलारिआं ने दस्सिआ सी जिदां इह 15 तरीक नूं ट्रैक्टर मार्च करदे आ सोहनिआल दा लड़का जपनिआल 3.5 साल दी उमर आ शायद इस किसान मोर्चे में किसी ट्रैक्टर जो करोड़ क्रेडा बढ़िया हुई सराफा नहीं की शायद इस छोटी उम्र का किसान शायद जपने आई होगा क्यों वो तो सवेर तो ही तुरे सन बुलारिया ने दसा ठंड भी बड़ी सी शाम को 6 बजे ही चल के घर आने हैं पर बच्चे ने 3.5 साल के बच्चे ने सारी दिहाड़ी साढ़े नाल रहे ते मैं तो बेनती करता हाँ अपने बेटे आज अज अपनी जिम्मेवारी पाइए सोनिआल ने इंडियन फार्मर एसोसिएशन जिला तरन तारण का मीत प्रधान नियुक्त किया जाता वा अज मैं खुशी तो नहीं कह सकता मैं गौरव कह सकता अज तीजी पीढ़ी साढ़े नाल तुर पई है मैं नहीं समझता कि हुण साडा दिल्ली बोलचाल ना जितया जाए अगे भी स्टेज तो सुझा आए आ उदन भी तुसां इस परिवार का बड़ा सहयोग दिता तो मैं इधरों आ रहा सी अनैतपुर वालों इतने 100-150 ट्रैक्टर बूहे गाड़ी खलोता सी इन्हों के रहनुमाई रलद्या रलद्या ही सैकड़े ट्रैक्टर साढ़े उत्तर भलाई पर पहुँच गए थे तू सारे वीर मैं बेनती करता कि प्रधान तो आप एक चुनना हों जिदा तो उदन सहयोग दिता ज अगे देंगे रहे सरदार मिल्खा सिंह के वेले तो ताे तो मैं फिर उम्मीद करता कि तुम अगे तो भी इस बच्चे के नाल मोटे ना मोटा जोड़ के क्यों लड़ाई किसी एक दी नहीं अगे किसानी अंदोलन नहीं है ये जन अंदोलन है जन अंदोलन के विच जे असी हिस्सा पावांगे ते आने वाली पीढ़ियां वास्ते जिवें साडा बेटा जपनिआल वास्ते असीं काम करना वा नहीं तो साडियां जमीनां खुस जाणियां वा बड़े विस्तार च दसण दा टाइम नहीं गा क्यों ये सारे कारोबार ठप हो जाने पर मैं तुहानूं वाहिगुरू के अरदास करदा कि मेरे वीर नूं अपने चरणां विच निवास बख्शे पिछे परिवार नूं रिश्तेदारां नूं जथेबंदियां नूं भाणा बनण दा वल बख्शे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह हुण मैं बेनती करांगा साडे साबका सरपंच प्रधान इंडियन फार्मर एसोसीएशन जिला तरन तारण सरदार कुलवंत सिंह जी भलाईपुर जो बहुत लंबे समय तो ये भी किसान यूनियन के विच सेवावां निभाउंदे आ रहे हैं मैं उन्होंने बेनती करांगा आईओ ही संगत का संगत नूं जी आ कहण
ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੈਂਜਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਕਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।